हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट वन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के डाउट्स को क्लियर करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम्स में देखे होंगे या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में देखेंगे। आज हम क्वेश्चन की डिटेल्स में जाएंगे ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप समझ सके कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, गाइस ये क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन 20 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। हमने पिछले टर्म पे डिस्कस किया था प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं। तो आपको ऑप्शन में से बताना है, पहला अभिसारी चिंतक, बी अपसारी चिंतक, सी बहिर्मुखी या डी बहुत परिश्रमी। तो सही आंसर है आपका कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका अपसारी चिंतन होता है। अभी अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या होता है, यानी कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब भी हमारे पास एक प्रॉब्लम के कई सॉरी सॉल्यूशन होते हैं तो उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि अपसारी चिंतन। और अभिसारी मीन्स होता है कई सारी सॉल्यूशन का या कई सारे प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, तो वो माना जाता है आपका अभिसारी चिंतन। बहिर्मुखी मीन्स होता है एक्स्ट्रोवर्ट चाइल्ड, जो सोशलिस्टिक होता है और रिस्की, यानी कि रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, अपने थॉट्स को सबके सामने शेयर कर सकता है, बहुत ही अच्छा वक्ता भी होता है, तो वो होता है बहिर्मुखी। परिश्रमी क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा टर्म आपको बताना है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है। क्रिएटिविटी को हम ऐसे मापते हैं कि कोई भी काम आप किसी एक जो ट्रेडिशनल तरीका है जिससे सब करते हैं उससे थोड़ा सा हटकर जो आप करते हैं वही आपकी सृजनात्मकता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मौलिकता, बी है प्रवाह, सी है मितव्ययिता और डी है उपयोगिता। तो सही आंसर आपका मितव्ययिता, यानी किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा या बिना यूज़ के अगर आप वहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका मितव्ययिता हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। भूलने का सिद्धांत मीन्स होता है कोई भी चीज़ आपने, अब इससे रिलेटेड है दो चीज़ें, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स होता है किसी भी चीज़ को आपने देखा, बस एक नज़र देखा और थोड़ी सी देर के लिए वो आपके दिमाग में रही, फिर उसके बाद फिर निकल जाएगी। अगर आप उस चीज़ को लगातार याद करते रहेंगे तो वो फिर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, आप कितने सारे करोड़ों लोगों को देखते हैं, अगर एक वीक में आपने करोड़ लोगों को देखा तो आप उन लोगों को हमेशा याद करके नहीं रख सकते क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना हो, जैसे आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, तो आपको याद हो जाएगा कि ये शॉप किधर को, कौन सा रास्ता इस शॉप को जाता है, तो ये हुआ आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो भूलने का जो सिद्धांत है वो दोनों के रेस्पेक्ट में हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो उसे भूलना नहीं कहा जाएगा। अगर आपने किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखा और वहाँ से भी वो चीज़ स्किप कर गई तो वो कहलाएगा आपका भूलना। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, और बी है प्रतीप यानी कि प्रतिकूल अवरोध, सी है आपका प्रतिबोधक अवरोध और डी है आपका प्रतिच्छायित अवरोध। तो सही आंसर है आपका प्रतीप प्रतिकूल अवरोध। अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, यानी कोई एक ऐसा आपको ऑप्शन बताना है जो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता। पहला है भग्नाशा यानी निराशा, बी है आपका तनाव, सी है आपका संबंध और डी है आपका चिंता। तो संबंध ही केवल एक ऐसा ऑप्शन है आपका जो दुश्चिंता को, यानी कि आपके मेंटल डिसऑर्डर को नहीं शो करता। अगर चिंता की बात की जाए, भग्नाशा की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मानसिक विकार से जुड़ी हुई हैं। जब आप एडजस्टमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने भग्नाशा, कुंठा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो भग्नाशा मीन्स होता है निराशा, किसी चीज़, अगर आपने कोई अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया और आपने सोचा कि मुझे ये उससे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता एक्यूरेट, तो वहाँ पर आप निराशा यानी कि भग्नाशा के शिकार हो जाते हैं। तनाव मीन्स होता है कि
आपने जब भी सोचा था कि मेरे अकॉर्डिंग कंडीशन थोड़ा सा हटके हो रही है और मेरे साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ जो हम नहीं चाहते, तो वहाँ पर आपको तनाव हो जाता है। चिंता मीन्स होता है कि कोई चीज़ आप करने वाले हैं और आपको लगता है कि ऐसा नहीं होकर कुछ और हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, बस आप पहले एज्यूम कर रहे हैं, तो वो हुआ आपका चिंता। सही आंसर आपका संबंध के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका था? तो गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके आते हैं कोट्स वाले, कि कोई फेमस कोट हो और उसे आपको किसी एक साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ में जोड़ना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको रटना पड़ता है, और रटने के लिए कई सारी ट्रिक्स होती हैं, तो कई सारी ट्रिक्स हमने अपने चैनल पर डिस्कस भी करी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। पर पहले हम बात करेंगे ऑप्शंस की। तो ऑप्शन ए है आपका शेफर ने, बी है हेडफील्ड ने, सी है ड्राइवर ने और डी है आपका लैडल। तो सही आंसर है आपका ड्राइवर ने। ड्राइवर ने ही कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ए है आपका ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो बिल्कुल था। बी पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी है। सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या डी बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो गाइस, एक तरीके से आप देखेंगे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा सारा सही है, पर जो कर एक्यूरेट आंसर है इसका वो ये है कि भाषा जो शिक्षा है हमें हमें हम जो हमारे एज ए टीचर हमें हमारे बच्चे को देनी है वो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में देनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, अंग्रेजी एक भाषा उसमें होनी चाहिए, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा यहाँ पर। लेकिन NCF ने ये कहा कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हमारे करिकुलम में रहेगा, पर बच्चे को सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना नहीं है, आपको हिंदी का भी इक्वली ज्ञान देना है जितना आप इंग्लिश का दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ऑप्शन ए है आपका एक भाषा, बी द्विभाषा, सी तीन भाषा या डी बहुभाषा। तो सही आंसर है आपका एक भाषा। क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए है आपका अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बी रटने का महत्व प्रदान न करना, सी पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना या डी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। अब ये आपको पूछ रहा है कि आपको जो NCF है उसका उद्देश्य क्या है, एक ऑब्जेक्टिव आपको बताना है जो इनमें से कौन सा मोस्ट सुटेबल है। तो जो मोस्ट सुटेबल है आपका वो ये है कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। सॉरी गाइस, तो जब हम मैथ्स की बात की गई थी NCF में, तो वहाँ पे कहा गया था कि बच्चों को मैथ्स इस कदर पढ़ानी है, इस लेवल तक पढ़ानी है कि वो अपनी बाहर की यानी डे टू डे लाइफ की चीज़ों से रिलेट कर सके मैथ्स को। जैसे कैलकुलेशन करने के लिए अगर बच्चा दुकान पर कहीं कुछ खरीदने जाता है किसी शॉप पर, तो उसे कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो वहाँ पर उसका मैथ्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। रटने का महत्व नहीं देना, तो ये सबसे पहले कहा गया था। पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ये भी कहा गया था कि पुस्तक एक मीडियम है आपका ज्ञान अर्जित करने का, पुस्तक आपको पूरा ज्ञान नहीं दे पा रही है, तो अगर आप पुस्तक आपको पूरा ज्ञान, अब एज अ टीचर आप उसमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में चीज़ें होती हैं, बच्चे को उससे एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बी बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, सी बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना या डी बच्चों को संवेगात्मक विकास करना यानी बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है आपका वो ये है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान का योग्यता का विकास करना, यानी बच्चा लॉजिकली सोच सके और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल सके, तो यही होता है मैथ्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना।
मैथ्स का एक और ऑब्जेक्टिव एनसीएफ द्वारा दिया गया था कि मैथ्स जो है बच्चों को ऐसी पढ़ानी है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ यानी कि जो दैनिक जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उससे वो जोड़ सके मैथ्स को। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, यानी एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो सही आंसर है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ ख़त्म होती है हमारे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।